जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज संडे का दिन है तो आज की वीडियो का आगाज कर, और आज संडे वाले दिन मैंने कुछ ऑर्डरिंग भी करनी होती है और लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकली हैं, क्योंकि सर्दी इधर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लकड़ियाँ इधर बहुत ज़्यादा निकलती है सर्दियों में। विंटर में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ निकलती हैं, और अभी मैं ये अखबार आ गया है तो अखबार भी खैर मैं लगा दी है, और संडे वाले जितने भी मैगजीन है वो भी मैंने लगा दी है। आज संडे वाले दिन है तो ये जितने पुराने वाले मैगजीन है इसको मैंने आज रिटर्न करना है। अच्छा जी, ये अखबार और न्यूज़पेपर मैंने बांध दिया है तो कल इसको मैं रिटर्न करूंगा, मगर ये आज है इसको मैं बॉक्स में डाल के उधर बॉक्स है बॉक्स में डाल के वो कल सुबह ले जाएंगे। अच्छा जी, जब सर्दी होती है और सामने स्क्रीन जो सामने शीशा जो है उस पर बर्फ़ जमी होती है, और स्पेशली दिन के सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे जब आप घर जाते हो तो इसी तरह अभी पानी, ये गर्म पानी है निशापर में मैंने डाल लिया है, तो इसके साथ मैं करता हूँ जो सामने शीशा है। यह भी सामने शीशा है, तो यह आप देख सकते हो शीशा मैंने बिल्कुल साफ कर दिया गर्म पानी से। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पानी उबाल लेते हैं, गर्म कर देते हैं, और वो जो केटल होता है उसके ऊपर वो इधर ला के इधर शीशे के ऊपर डाल लेते हैं, मगर यह है कि उससे शीशा टूटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ लोग यहाँ पे भी इस तरह करते हैं, वो रंबा टाइप का होता है वो मार देते हैं, इससे ये होगा कि रंबा जो होता है वो उसको मारने से यहाँ पे दाग बन जाते हैं। और पानी, गर्म पानी आप शापर में लें और इस तरह अपना सामने वाला शीशा और सामने वाला जहाँ पर बर्फ़ हो या आप साफ कर सकते हो, स्पेशली विंटर में। तो अच्छा जी, अभी मैं इधर आ गया हूँ, अभी मैंने ऑर्डर करना है खाना, तो खाना खाते हैं खाना मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो अच्छा जी, खाना मैंने ले लिया है, ऑर्डर मैंने कर दिया था पहले से, और अभी थोड़ा सा काम है वो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर जाएंगे खाना घर में खाएंगे। यह है बिल्कुल सेंट्रो, तो ये सामने है, सामने बड़ा वाला चर्च, सामने इसके सामने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन है। आजकल रेलवे स्टेशन में रेलवे जितना भी स्वीडन में है रेलवे सिस्टम उसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है तो बहुत ज़्यादा रश होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा उसमें मसला आ रहा है। तो यह है मेन सेंटर, खैर इस तरफ भी ये सारा मेन सेंटर ही है, ये सारी गलियाँ जितनी भी हैं यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, यह बिल्कुल आखिरी हद है, और वहाँ पर आप गाड़ी बिल्कुल पार्क नहीं कर सकते। वहाँ पे इस गलियों में जितने भी दुकान और जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे वही गाड़ी जा सकती है जो सामान डिलीवर करने के लिए, और वो भी बिल्कुल सुबह के टाइम पे जब दुकानें बंद हो।
तो उसी टाइम आप उधर जा सकते हो, गाड़ियाँ जा सकती है, अदरवाइज दाखिला ममनू होता है। ये क्रिसमस ट्री, ये लाइटिंग जितनी भी है ये कमीन वाले करते हैं। ये यहाँ से मेन टायर, यहाँ से मेन तार, ये लाइटिंग इस तरह। ये अगर पाकिस्तान में होती तो एक रात में ये चोरी हो जाती है, सारे जितनी भी तार है। और ये लाइटिंग, ये ऊपर वाली लाइटिंग, ये सारी चोरी हो जाती है, ये वाले सारा चोरी हो जाता। इस तरफ भी ये लाइटिंग, और ये बहुत बड़ा बोर्ड, ये आप देख सकते हो, ये सारा कम्यून ने किया है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे कैंडल्स लगाते हैं, ये आप देख सकते हो, इस तरह की कैंडल्स या दूसरे जो कैंडल्स होते हैं इस तरह की। इसको असल में कहते हैं योल बोडेट। योल बोडेट का मतलब है जो क्रिसमस का बोर्ड होता है। क्रिसमस के बोर्ड में इतना, मतलब हर किसी का अपना वो सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा खाने होते हैं। तो इसी तरह योल बोडेट में आप इधर आ सकते हो, इधर खाना खा सकते हो, इधर बैठ के दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ इधर आके आप खाना इंजॉय कर सकते हो। तो ये है, इन लोगों ने एक रूम सा बनाया हुआ है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे सारे योल बोर्डर का वो सिस्टम होता है। तो ये है पूरे सिटीज की एक्टिविटीज, योल एक रखान सा सिटी। और ये है, तो अच्छा जी, ये थे आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फी अमान अल्लाह हाफिज़।